अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फॉस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा कि बर्ड्स के एग्स फॉस्टर कैसे किए जाते हैं। फॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? पहले तो फॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक बर्ड के एग उठा के दूसरे बर्ड के नीचे रखना, ठीक है, इसे फॉस्टिंग कहते हैं। फॉस्टिंग करते हैं हम किस लिए? हम इसलिए कहते हैं एक बर्ड की प्रोटेक्शन ज़्यादा लेने के लिए। जैसे कि अब मैं आपको बताऊँगा, ये मैंने आपको पेयर दिखाया, इसने एग ले किए 10 तारीख को, 10वें महीने के 10 तारीख को एग ले कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास एक और पेयर है, ये क्या है, इसने भी 10 तारीख को एग ले कर दिए, ठीक है। अब मैंने ये करना है, मेरे पास ये वाला पेयर अच्छा है, ठीक है, इसके मैं एग्स उठाऊँगा। फिर भाई चला गया, इसके मैंने एग्स उठाए, 6 अंडे दिए माशाल्लाह से इसने, ठीक है। आपने बड़े तरीके से उठा के इसको रखने, ज़्यादा हिले ना, अंडे हिलेंगे तो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, अंडा ख़राब भी हो सकता है। बड़े तरीके से आपने उठा के एग्स को घुमाना है, ठीक है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, इसके एग्स उठाए मैंने, इधर आ गया, इसके ऊपर मैंने लिख दिया ऑलरेडी फॉस्टर। मैंने इसके नीचे किए हैं 6 अंडे 6 एग्स बॉक्स नंबर 4 के। वो कितने नंबर बॉक्स था? बॉक्स नंबर 4 था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंडे उठा के मैंने इसे, अब इसके मैंने एग्स चेक करूँगा, एक से एग्स में उठा लूँगा, ठीक है, इसको मैं साइड पर रख लूँगा, ठीक है। ये एग्स उठाऊँगा आराम से, इस पेड़ के नीचे रख दूँगा। तो ये एग्स को आराम से कौन से अपने एग समझ के इसको सेकेगा और इसमें से जो चिक्स निकलेंगे उनको पाल लेंगे, ठीक है। अभी मैंने 6 एग्स नीचे रख दिए हैं, ठीक है, और इसको मैं बंद कर दिया और इस पर मैंने मेंशन कर दिया कि बॉक्स नंबर 6 के एग्स हैं, वो मैंने इसके नीचे रखा है। देख सकते हैं फीमेल जाके एग से बैठ गई, ठीक है। फॉस्टिंग करने से अब क्या फ़ायदा होगा, आप ये देख सकते हैं, ये बॉक्स नंबर 4 है, इसके मैंने एग्स उठा के उस नीचे रख दिए ताकि याद भी रहे कि किसके नीचे मैंने फॉस्टर किए थे, ठीक है। अब इसके लिए एक और चीज़ भी होगी, इसके ऊपर भी मैं मेंशन करूँगा, इस पर मैं लिखूँगा 6 एग्स, ठीक है, शिफ्ट, ठीक है, टू केज टू बॉक्स नंबर, बॉक्स नंबर मैं चेक करूँगा कौन सा बॉक्स नंबर है, 12, इसके ऊपर लिख दूंगा कि इसके मैंने 6 अंडे बॉक्स नंबर 12 के अंदर शिफ्ट कर दिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, 10 से 15 दिन लगेंगे ये पेयर दोबारा अंडे दे देगा और उसके अंदर तब तक बच्चे निकल आएंगे और वो पेयर पालेगा उसके बच्चे, तब तक ये दोबारा अंडे दे के बैठ जाएगा। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती है। फॉस्टिंग बेसिकली एक बर्ड आपके पास अच्छे नस्ल का है तो उसके बर्ड्स के ज़्यादा एग्स लेने के लिए, उसके ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम फॉस्टिंग करते हैं। अच्छे पेयर्स के बच्चे अंडे उठा के हम लो क्वालिटी बर्ड्स के नीचे घुमाते हैं ताकि एक बर्ड की ज़्यादा प्रोडक्शन आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक बर्ड है वो अंडे देगा, कम अज़ कम उसको कितने डेज़ लगेंगे, 19 डेज़ लगेंगे एग में से बच्चे निकलने में, फिर 1 मंथ लगेगा कम से कम बच्चों को सेल्फ होकर बाहर आने में, मतलब कि 2 महीने का टाइम जो होता है आपका एक क्लच में लगेगा। तो उतनी देर में 2 महीने के अंदर अगर आप उनके 2 दफ़ा एग्स फॉस्टर करोगे तो आपके पास 2 से 3 क्लचेज आ सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें, अभी मैंने फॉस्टर किए 10 तारीख को, उसने अंडे दिए थे ये, ठीक है, 25 तारीख तक, आज क्या हो गया, आज हो गया 18, ठीक है ना, 18 हो गई है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 तारीख से पहले दोबारा एग लेइंग कर देगा। अगर मैं इसके दोबारा फॉस्टर करूँगा तो फिर ये अगेन 10-15 दिन के अंदर अंडे दे देगा। तो 2 महीने के अंदर मैंने एक पेयर से 3 क्लच ले लिए, उससे क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा आ जाएगी। जहाँ वो 1 क्लच देगा वहाँ वो 2 और क्लच ले सकते हैं। इस तरह जो है हम फॉस्टिंग करते हैं ताकि अच्छे बर्ड्स की जो है प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर आप मौजूद है 03129874889।
ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें ऑलरेडी मेंशन है, किसी को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका भाई हाजिर है। बाकी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियोज़ जो मेरी आ रही हैं वो सॉफ्ट फूड के ऊपर होंगी, और उसके अलावा ब्रीडिंग फार्मूला, मतलब ब्रीडिंग फार्मूला जो मैं कि बर्ड्स को अपनी फीड बना के जो बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ, मैं बाज़ार से नहीं ख़रीदता, मैं ख़ुद बनाता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। एक प्रॉपर फीड होती है, वो बनाता हूँ अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ, तो वो लोगों आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो स्टे ट्यून विद मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।